एक कप चीनी, एक कप रंगीन वाली जो सेवइयाँ होती हैं वो, और एक चौथाई कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप कल्चर्ड मिल्क यानी कि कॉमेट। ये सब हमें दूध वाली की जो तैयार होगा उसके बनाने के लिए सब चीज़ हमें चाहिए। चलते हैं अब हम दूध गुलारी की तरफ। दूध गुलारी में जो जो चीज़ें ऐड होने वाली है वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। इसमें डालना है ड्राई फ्रूट्स, एक प्याली ड्राई फ्रूट्स देंगे, तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं। एक प्याली प्रोटीन है हमारे पास, एक प्याली खोया, एक प्याली हमारे पास मिठाई है, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। गुलाब जामुन है, चमचम भी यहाँ पर रफान की जैली है रेड कलर में, और यहाँ ग्रीन कलर में रफान की जैली है। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये कल्चर्ड मिल्क है, कॉमेल कहते हैं इसे, और ये भी डलेगा इसमें। और यहाँ पर आप देख चुके हैं यहाँ पर ये तैयार है दूध दुलारी। बाकी इसमें दूध है और हमने मिठाई डाली है, और इसमें तमाम जो एक प्याली मिठाई थी उसे हिलाएंगे हम, और इसमें ऐड करेंगे कॉमेल, कंडेंस्ड मिल्क भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब इसमें खोया शामिल कर रहे हैं हम, कुछ खोया हम बचा देंगे डेकोरेट के लिए। यह मिक्स प्रोटीन जो थे वो प्याली वो हमने डाल दिया है, यह हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं आधी प्याली, बाकी आधी जो है वो हम डेकोरेट के लिए रहने देंगे। ये हम जेली की कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ हमने जेली डाल दी है, इसमें आधी जेली भी हमने रख दी है डेकोरेट के लिए। यहाँ पर रेड जेली अब डालेंगे, वो भी इसी तरह आधी डालेंगे और आधी उसको रहने देंगे। करेंगे आप सब भी बिल्कुल उसको बनाइए, मज़े से खाइए, इंजॉय करें, और हमें बताइए आपको ये कैसा लगा मीठा, मिनटों में तैयार होने वाला मीठा। और अब इसका हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं थोड़ी देर। हम एक प्यारे से बर्तन में, खूबसूरत से बर्तन में इसको सर्व कर दिया है, और इसकी डेकोरेशन आप देख सकते हैं, रेड जेली, ग्रीन जेली, मिक्स फ्रूट्स हैं इसमें, और ड्राई फ्रूट्स हैं, कॉकटेल मिक्स फ्रूट कॉकटेल हैं, कॉमेल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये मिठाई भी आपको स्वीट भी नज़र आ रही है। इसको हमने इस तरीके से सर्व किया है, देखिए आप भी।